तो गाइज इस बड़े घर के अंदर हमारा एक दोस्त है जिसको मॉन्स्टर ने कैद करके रखा है और हमें उसको छुड़ाना होगा और ये काम हमारे को बहुत ही चुपचाप करना होगा क्योंकि इस गेम के अंदर गाइज बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। बेसिकली इस गेम के अंदर सब कुछ बड़ा है, बस हमारे करेक्टर्स को छोड़ गए बस वही छोटे से हैं। तो हमारा करेक्टर छोटा है तो हम दरवाजे से नहीं जाएंगे बल्कि हम बारी से जा रहे हैं। गाइज घर में देख रहे हो हम किचन के अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है भाई। तो गाइज हमारे पिद्दू से करेक्टर ने डोर ओपन कर दिया और यहां से हम गाइज सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लेफ्ट के अंदर देखते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा दोस्त, इसी को हमें बचाना है क्योंकि आगे जाके हमारी बहुत हेल्प करने वाला है तो हमें इसको छुड़ाना ही होगा। तो यार डोर तो थोड़ा क्रैक है तो हमें कुछ तोड़ने के लिए लाना होगा शायद से ये चीज, लेकिन ये तो पूरी टूट गई। हमें कुछ और लाना होगा। यहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी है गाइस, कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यस कुल्हाड़ी निकाल ली गाइस, कुल्हाड़ी उठा नहीं सकते लेकिन इसको घी जरूर सकते हैं। हमारा पिद्दू से करेक्टर छोटा जरूर है लेकिन इसमें हिम्मत बहुत बड़ी है। तो इसी से ये डोर ओपन होगा। दो बार कर दिए, तीसरे बार में टूट चुका है गाइस, लेकिन वो गाइस डर के मारे नीचे ही घुस गया है क्योंकि उसने इतना जिगरे वाला करेक्टर आज तक ही नहीं देखा होगा। वैसे हमारा करेक्टर हाथ बढ़ा रहा है, शायद से वो मान चुका है। गले लगने की बारी है गाइस, इस बंदे की फट चुकी है और ये हमें छोड़कर भाग चुका है। भाई भाई इतनी मेहनत से तो इसको बचाया था और ये ऊपर भाग रहा है। कोई बात नहीं गाइस, हमारे को फाइनली कैसे भी करके उसको राजी तो करना ही है। तो इसके पीछे चलते हैं इससे पहले कि वो गुम हो जाए। गाइस ये भाग रहा है, अगर ये हमारा दोस्त नहीं होता ना तो उसको उठा के फेंक देते हम। लो गाइस देखो तो कौन है, हमारे गेम्स के पहले विलन हमारे को मिल चुके हैं और इनकी आंखें बंद हैं और इसकी तो आंखें ही बाहर निकली हैं। ये शायद से ये सो रहे भाई, खाते खाते कौन सोता है। गाइस ये रहा हमारा दोस्त, भागने की कोशिश यहाँ भी चल रही है लेकिन नाकाम हो चुके हैं और अब ये कहीं भाग भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ताला लगा है। ये हमारे को ऊपर से इशारा दे रहा है, हमें बुला रहा है। ओके अपनों को जंप मार दी गाइस, इसके ऊपर चढ़ गए, देख रहे हो गाइस, कह रहा हूँ इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमारे को गेम में। वाह क्या टीम वर्क दिखाया भाई, देख रहे हो कितना कमाल का गेम है। तुम भी चाहो तो खेल सकते हो, उसका नाम है लिटिल नाइटमेयर। बस ये थोड़ा पीसी का गेम है, इसका पहले वाला पार्ट जो है ना वो मोबाइल के अंदर है, आप उसको भी खेल सकते हो। अपनों ने उसकी भी वीडियो अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखो, शॉर्ट भी अपलोड करी है और वो मोबाइल के अंदर है। ये वाला बस पीसी के अंदर है, जब इसका तीसरा पार्ट आएगा तो ये हो सकता है मोबाइल के अंदर आ जाए ये वाला भी, जो कि बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसे गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। अभी तो हमारे को मॉन्स्टर मिल नहीं रहा है लेकिन जब इसके अंदर मॉन्स्टर्स आते हैं ना तो भाई गेम में और मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर गाइस एक लीवर की जगह आ चुकी है, हमारे को इसके अंदर कोई लीवर लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ही आसपास कहीं होना चाहिए। चौकोर लीवर मिलेगा हमारे को, लीवर मेरे को पता है क्योंकि मैंने इसका पहले वाला पार्ट खेला है ना, उसके अंदर भी ऐसे लीवर आते हैं। यहाँ पर भी हमारे को जंप ही मारनी थी लेकिन हम फिर इधर कैसे आएंगे। अच्छा यहाँ पर तो सीढ़ी बनी है, हमारे को नीचे जाना होगा। गाइस यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है और ये भी सो रही है और लीवर इसके हाथ में ही है। शिट ये उठ नहीं जाए, बस अगर ये उठी तो हमारे को भागने में तो आसानी हो जाएगी क्योंकि यही पास में ही है। भाई हाथ ही फाड़ दिया इसका, ये मॉन्स्टर लगता है मर चुका है भाई, इसका हाथ टूट चुका है और वो उठा नहीं या उठी नहीं, जो भी है हमें क्या करना। अब हमारा लीवर लेके चलते हैं गाइस।
बाकी गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इस वाले पार्ट के अंदर हमारा करेक्टर जो है वो एक लड़का है शायद। पहले वाले पार्ट के अंदर लड़की थी जो कि एंड में विलन बन गई, वो शायद से इस वाले गेम के अंदर भी है क्योंकि उसका पोस्टर मैंने देखा था। वैसे हमारा दोस्त लिवर घुमा रहा है और ये क्या चीज़ ऊपर आई है, मैं इसके ऊपर चढ़ना शायद। ओके यहाँ पर एक चाबी थी, मैंने देखा ही नहीं इस चाबी को भाई, चाबी में नज़र ही मेरी अब गई। चाबी नीचे आ चुकी है, ये चाबी शायद से उस ताले में लगेगी जहाँ पर हम सीढ़ी चढ़े थे ना, ऊपर एक दरवाज़ा था जिसपे ताला लगा था। लेकिन चाबी तो बहुत ही छोटी थी और लॉक बहुत ही बड़ा था, लेकिन देखते क्या होता है। गाइस हमने ये दराज ओपन कर दिया, इसके अंदर कपड़े पड़े और हमारे को, अरे गाइस ये पिद्दू बच्चे पहले पार्ट के अंदर भी थे भाई, पता नहीं क्या ये खुद ही मॉन्स्टर है, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं है, मॉन्स्टर है ये भी। और इसमें से एक को तो हमारा करेक्टर खा भी गया था पिछले गेम में। हमारे को नीचे जाना है, ये रहा गाइस वो डोर, इसके अंदर वो चाबी लगेगी और चाबी शायद से इसने जेब में रख ली है, ये चाबी छोटी थी, हाँ इसकी जेब में ही थी। तो गाइस डोर हमने ओपन कर दिया, अब शायद से ये पखाने है क्या, हाँ लग तो ऐसे रहा है। और इतना भारी बॉक्स फिर भी खिसका दिया उन्होंने यार, टीम वर्क से। इस गेम में या तो बोरियत बहुत होने वाली है या फिर मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम जो है ना वो टीम वर्क वाली है, मतलब अकेले आप नहीं कर सकते, आपको अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे को सब जगह इस बच्चे को बचाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये खुद से भी काम कर लेता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी इसको बचाना। भाई ये मॉन्स्टर जाग रहा है और ये शायद से मीट काट रहा है बहुत ही तगड़े तरीके से, चूँकि मक्खियाँ उड़े जा रही है, पता नहीं इसने क्या मार के लाया, लेकिन अगर इसने हमको सुन लिया ना भाई तो हमारे हेल लग जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से चुपचाप निकलते हैं, शायद से यहाँ से हमें निकलना होगा, बस वो हमें सुन ना ले। ठीक है दोनों को एक साथ फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे को इधर से लगाना है शायद। गाइस फाइनली ओपन हो चुका है, अरे उसने सुन लिया शायद, शिट लगता निकलना पड़ेगा। ओ भाई इसके पास डबल बैरल है, कवर लेना पड़ेगा भाई, बॉक्स भी टूट रहे हैं हमारे को, कवर लेते लेते निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके पास तो गन है, वन को पकड़ेगा नहीं, सीधा गोली मारेगा। पहले पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारा पहला वो यहाँ पे छुपने की जगह शायद से। अरे जल्दी इधर आ बाबू, शायद से हम बच गए, अगर उसने नीचे जागा ना तो गए, क्योंकि हम भाग भी नहीं पाएंगे। और ये देख रहे हो लोंडे के पास शॉटगन है, साला डाकू मंगल सिंह। ठीक है ये आगे जा रहा है, जा मुन्ना जा, पीछे ना देख, शायद से वो चला गया और हमारे को भी उधर ही जाना पड़ेगा शायद से। ओ भाई देख रहे हो हमारे करेक्टर हाथ पकड़ के लेके चल रहा है उसको, बहुत ही मैच। अरे भाई गेम की जूमिंग बढ़ गई है, इसका मतलब उसके पास, अरे भाई भाई बच गए, घासों में वो नहीं देख पा रहा है, उसने लाइट तो अपनों पे मारी थी लेकिन उसको दिखे नहीं हम, ये सब उन पक्षियों की वजह से हुआ था। हमें यहाँ पर देख के खेलना होगा, हमें इस घासों के अंदर छुपना होगा क्योंकि हम उसके बिल्कुल पास ही चल रहे हैं भाई, एक बुलेट के अंदर दोनों आड़े हो जाएंगे। ठीक है निकलना पड़ेगा शायद से, इधर लाइट नहीं मार दिया वो, नहीं नहीं शायद गलती कर दी हमने, शायद गलती कर दी, आप पीछे भी नहीं जा सकते, रुक गए रुक गए भाई, नहीं देखा उन्होंने भाई, क्या अंधा मॉन्स्टर है, एकदम साफ तो दिख रहे थे। ठीक है यहाँ पर एक छेद है, जल्दी से निकल, जल्दी 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 जल्दी, हमारे कहाँ तक गया, ये गया अभी, रखना पड़ेगा भाई, मर गया, अरे नहीं बच गया भाई, देख रहे हो अंदर झाक झाक के दिख रहा हो, अरे भाई भाई हमारा दोस्त यहाँ पर आड़ा होने वाला था और ये मर जाता ना तब भी हमारा गेम तो रीस्टार्ट ही होता, क्योंकि इसकी हमारे को ज़रूरत है और ये साला बोंदू भारी खड़ा था। लेकिन शायद से हम बच चुके हैं, शायद से वो गोली चलाए, पता नहीं।
पता नहीं क्या पता आगे ही वेट कर रहा हो हमारा। नहीं यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है, शायद से हम बच चुके हैं। वो कर है क्या? आ गया। गाइस देख रहे हो पिंजरे लटके हैं गाइस, यहाँ पर पिंजरे भी है इस गेम के अंदर, हमारे को पिंजरों से बच के रहना होगा। शायद से हमें लीवर खींचना है। हाँ यहाँ पर शायद से दोबारा से टीम वर्क वाला काम होने वाला है। अब मेरे को निकलना उधर से, स्पीड में निकलना होगा या तो भाई, तो छोड़ते ही नीचे आ गया। रेस्क्यू भाई, सीढ़ी मारी हमारे करेक्टर ने। ठीक है शायद से हमें जंप मारना है और वो हमें कैच करेगा। कर लिया। अच्छा क्यू से वो सीटी मारता है हमारा कैरेक्टर, सीटी मारो तो वो आ जाता है। ठीक है हमारे को ये ध्यान में रखना होगा, वरना कहीं अगर हम भूल गए तो भाई हम सोचते रह जाएंगे हमें जाना कहाँ है। भाई वो मोस्टर दोबारा से आ चुका है, मैं बच गया ना यार। ये जो कौए हैं ना, इन कौए के चक्कर में फोन खुल जाती है और उसने देख लिया शायद। अब निकलना पड़ेगा, गया हमें लगता है। शिट भाई गोली टच हो गई, इसके पास शॉटगन है यार। ठीक है यहीं पर चेक पॉइंट था हमारा। इस बार हमारे को सावधानी बरतनी होगी। ठीक है यहाँ पर हम बच चुके हैं, यहाँ पर एक बार मेरे को कवर लेना पड़ेगा शायद इस टप्पे का। अब निकलना, वो रिलोड करेगा, इतने में मेरे को ऊपर जाना है। ठीक है ठीक है, और देखते हैं अब कोई कवर नहीं, अब निकलना पड़ेगा। गाइस अंदर आ चुके हैं, अंदर भी आ सकता है वो शायद से, नहीं आया अंदर। अरे अंदर भी आ गया वो, और मैं लटका हूँ। अरे भाई और इसको एम देख लो कितना तगड़ा है, जल्दी से ये स्नाइपर मोस्टर हो। शॉटगन चला रहा है, स्नाइपर चला रहा है। नहीं 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 ऊपर चढ़ गया, ऊपर सीधा कीचड़ में गिरेगा इस, नहीं छुपना है। मेरा करेक्टर किधर है भाई? मैं कीचड़ के अंदर हूँ। भाई मेरा करेक्टर कीचड़ के अंदर भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर हम सेफ हैं। और कीचड़ से गाइस ये मक्खियाँ उड़ रही हैं, यानी कि ये कोई गटर के अंदर गिरेगा ही। सब इतनी गंदी बात है। फिलहाल तो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर तो ये लकड़ी लगी है। अच्छा नीचे होके जाना है। सही है भाई, गेम के तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे को देखने को मिले और हमारे को ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी सब गेम का स्टार्ट है तो हमारे को पता चल रहा है आगे जाके हमारे को ऑप्शन नहीं मिलेंगे। देख लिया उसने फिरते, लेकिन यहाँ पर कवर दिए हुए तो हमारे को कवर लेते लेते ही जाना है। वो कीचड़ में नहीं आएगा, मोस्टर बनी है, लेकिन सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं लोग। गाइस मैं कीचड़ के अंदर अंदर से जा रहा हूँ, नहीं देख पाएगा मुन्ना। चलो गाइस वो मोस्टर तो आगे बढ़ चुका है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमें शायद से ये गिराना है। बच गए, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है इन गेमों के अंदर, क्योंकि गेम बच्चों जैसे दिखने में है लेकिन ये खेलने के लिए बड़ों के लिए है। बच्चों को तो गाइस मेरे को लगता है कि सदिया हो जाएगी यहाँ पर आने में ही, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस के हिसाब से काम करना पड़ता है, वरना भाई इस गेम के अंदर लग जाते हैं। पर फिर से कबूतर बैठा है, ये फिर से फोन खुलवाएंगे, लेकिन अभी तो वो मोस्टर आगे जा चुका है। हम यहाँ पर सेफ हैं, वो जा रहा, वो इतना दूर से तो शायद ही मारेगा, कुछ जाने ही देते हैं। अब इन कौओं का क्या सीन है भाई? मेरे को लगता है ये जैसे उड़ेंगे ना उसको पता चल जाएगा।
हाँ जैसा सोचा था, यहाँ पर से कवर है। रिलोड कर रहा है, हर दो गोली के बाद रिलोड करता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक गोली चली भाई, अभी भी एक गोली मार सकता हो। नहीं मारी, बच गया। गाइस इससे शायद बच चुके हैं, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और यहाँ पर भी एक शॉट गन है, और यहाँ पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब समझे दया, उसका कान दबाना पड़ेगा। भाई इसने गन खाली, ठीक है मेरे को इसकी हेल्प करनी है। और ये खुद से झापड़ा दिया साला, हो गया गाइस, पट से हेड शॉट रख दिया इसको। शायद से वो मर चुका है, लेकिन वो मॉन्स्टर है, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है उठ के आ जाए। और यहाँ पे पी का साउंड चल रहा है गाइस, हमारे करेक्टर के कान बच चुके हैं। चलो गाइस, हमने हमारा पहला मॉन्स्टर यहाँ पर मार दिया है, कमाल की बात है गाइस। लेकिन गाइस के आगे हम डालेंगे कल। गाइस यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर देना।